ये हजार में से पहले इंसान हैं जिनकी हम आज फिर से सुनने में मदद करने वाले हैं, और इन्होंने अपनी मॉम की आवाज 4 साल से नहीं सुनी है। क्या तुम सुन सकती हो? आई लव यू। नेक्स्ट हमने केली की मदद की। क्या? सूडी और पूरी फैमिली अपने लोगों की आवाज सुन सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक है उन हजारों लोगों में से जिनकी हम आज फिर से सुनने में मदद करने वाले हैं। हमारे पास 3 मिलियन से भी ज्यादा की कटिंग एज हियरिंग टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पुराने हियरिंग एड की तरह नहीं है। ये लोगों की जरूरत को समझता है और बिना किसी नुकसान उनकी सुनने में मदद करता है। क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हाँ। ओह माय गॉड, ये मुझे सुन सकते हैं। तुमने मेरे डैड की लाइफ बचाई। और हमारी 10th इंसान थी आयशा। एक्चुअली मैं इनके वीडियोस देखती थी और देखती थी। नहीं ऐसी बात नहीं। क्या हुआ? नहीं, सच में ऐसी बात नहीं। अब मुझे चलना चाहिए। नहीं। आगे बढ़ो, टेस्ट करो। मम्मी, अभी वो तुम्हें नहीं सुन सकती, लेकिन 1 कहती सुनने लगेंगी। 3, 2, 1। मैं अपनी बेटी की आवाज सुन सकती हूँ। मैं लेफ्ट ईयर से खुद की आवाज सुन सकता हूँ। कैसा लग रहा है? ओह, ये नाच रहे हैं। ओह माय गॉश, ये बहुत बढ़िया है। आपको सुनाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल। अब तक हमने 40 लोगों की फिर से सुनने में मदद की है, पर इसके अलावा हम उन्हें एक छोटा सरप्राइज भी देना चाहते थे। ये $10,000 हैं आपके लिए। लीजिए, ये आपके हैं। हम आपको ये $10,000 देना चाहते हैं आपके दिन को और बेहतर बनाने के लिए। क्या तुम सच कह रहे हो? हार्ट अटैक मत आने देना प्लीज। अच्छा, क्या बेहतर है, सुनना या फिर $10,000? सुनना, क्योंकि मैं अपनी बेटी को सुन सकती हूँ। क्या आप मेरा चैनल देखती हैं? आप लोग प्लीज अपनी आंखें बंद करेंगे और तुम मेरे साथ आओगी प्लीज? क्या तुम उन्हें बता सकती हो कि वो $10,000 जीत गए हैं? ओके, अपनी आंखें खोल लीजिए। आपने $10,000 जीत लिए। ओह माय गॉड, मुझे घर पहुंचते ही हार्ट अटैक आने वाला। अरे प्लीज नहीं, इस वीडियो में सबको हार्ट अटैक ही क्यों आ रहा है? वहाँ पीछे मुड़ो और कैमरे की तरफ देखकर कहो सब्सक्राइब। बहुत बढ़िया, आईवी अगली बड़ी यूट्यूबर है। क्यों ना हम आपको भी $10,000 दे दें? ये लीजिए। ये हियरिंग एड काफी थे, लेकिन ये बहुत बढ़िया है। हम सुनने में आपकी मदद करने के साथ साथ आपको ये $10,000 भी देना चाहते हैं। ओह, मैं अमीर हो गई। ये पैसे कहाँ खर्चोगे? जेली। आपने बताया था कि आपके 12 ग्रैंड किड्स हैं, तो ये लीजिए 12 ग्रैंड। ओह नहीं। तो अब आप ये एक एक ग्रैंड हर ग्रैंड किड को दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये जोक बेकार था। ये लीजिए। मैं इतने पैसों का क्या करूँ? कुछ खरीदना नहीं चाहती? मैं बहुत कुछ खरीदना चाहती हूँ। हाँ तो आप खरीद सकती हैं। अभी हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि आपको जेट स्कीइंग पसंद है। ऐसी कौन सी चीज है जो आप खरीदना चाहते हैं और खरीद नहीं सकते? इनके लिए जेट स्की लूंगी, इनकी जेट स्की खराब हो गई। तुम कौन हो? मिस्टर बीस्ट, इस शो का यही नाम। मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ। एक मिनट, क्या आपको अब पता चला मैं कौन हूँ? हाँ, मुझे नहीं पता। हाँ, मैंने आपकी सुनने में मदद की। तो अब आपको जब पता चल गया कि मैं कौन हूँ, क्या मैं आपको सरप्राइज दे सकती हूँ? नहीं। ओके, मैंने अभी आप लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू जेट स्की खरीदी है। मैं वाइफ को बेचने वाला था इसे खरीदने के लिए। ओह सच में? ये आपके लिए। थैंक यू सो सो मच। और जब हम लोगों की मदद करने में बिजी थे, मैंने नोलन को गिफ्ट देने के लिए कहा हमारी सबसे यंग पेशेंट को। मेरे पास तुम्हारे लिए ये कस्टम पिंक इयररिंग एड्स है। जरा देखो तो। सुनो, क्या हम तुम्हारे लिए कुछ और टॉयज लेने चले? हम एक टॉय आइल के पास जाएंगे, तुम्हें मजा आएगा, है ना? ये जिमी के पैसे हैं। मैं उसके सारे पैसे ले लूंगी। ये रख लो। वो क्या है? तुम्हें पसंद है ना? हमें और चाहिए। और भी। ये मेरा सबसे बेस्ट डे है। थैंक यू मिस्टर बीस्ट। ये सबसे अच्छी बात है जो मैंने आज तक सुनी। ये काफी कूल है ना? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। क्या आप सुन सकते हो? हाँ मैं सुन सकती हूँ। मैं अपने आप को भी सुन सकता हूँ। वहाँ से इससे बात करने की कोशिश करो। कॉटन, सबसे अच्छा क्वार्टरबैक कौन है? पेटन मैनिंग। वो सुन सकता है। तुम्हारी हियरिंग को टेस्ट करने के लिए हमने तुम्हारे लिए आने वाली बास्केटबॉल चैंपियनशिप की टिकट खरीदी है। फैमिली के साथ जा सकते हो। अब अपनी हियरिंग को टेस्ट करने के लिए टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट में जाइए और अच्छा सुनने का एक्सपीरियंस लीजिए। ये सबसे बेस्ट सीट्स है एक बास्केटबॉल गेम देखने के लिए। ये देखो। लेकिन हम लोगों की मदद सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में ही नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम मेक्सिको गए 200 लोगों की मदद करने। आयो। लियो बार्डो और सलमा हमेशा से अपनी बच्ची की आवाज सुनना चाहते थे, लेकिन वो हियरिंग टेक्नोलॉजी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। पर आज सब कुछ बदलने वाला है। ये हमेशा साइन लैंग्वेज में बात करते थे, आज ये बहुत ही एक्साइटेड है उसे पहली बार माँ और पापा कहते सुनने के लिए। ये इन्हें पहन रहे हैं। ओके, 3, 2, 1। बेटा पापा कहो। पापा। पापा, पापा। क्या आप सुन सकते हैं? आपको आवाज आ रही है? हाँ। बढ़िया,
थैंक यू ये सब करने के लिए, थैंक यू। अब आप सब कुछ सुन सकते हैं। कैसा लग रहा है? ओह, इन्होंने 67 इयर्स से कुछ ठीक से नहीं सुना है। 3, 2, 1, बताइए आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। सच में? मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। ओह, कितना बदलाव महसूस कर रही हूँ? बहुत ज्यादा। वाओ। ओह, कूल। और फिर हम गए ग्वाटेमाला, ब्राजील, हमने और भी बहुत से लोगों की मदद की, साउथ अफ्रीका, मलावी और इंडोनेशिया में। मैंने इस वीडियो के दौरान ये सीखा कि सिर्फ हियरिंग एड देना लोगों से कनेक्ट होने का रास्ता नहीं है। साइन लैंग्वेज लोगों को कनेक्ट करती है, भले ही वो सुन पाए या नहीं, पर साइन लैंग्वेज को सीखना बहुत मुश्किल है। तो हम डोनेट करने वाले हैं $1,00,000 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जो पूरी दुनिया के लोगों को साइन लैंग्वेज सीखने में मदद करती है। पर इसके अलावा हम अपने आखिरी इंसान की मदद करने वाले हैं। सब्सक्राइब। देखने के लिए शुक्रिया।